अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए जनूबी पंजाब पाकिस्तान का लाल सोहाना नेशनल पार्क का विज़िट कराऊंगा, जो कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और हम अब बहावलपुर से लाल सोहाना नेशनल पार्क की तरफ रवाना हैं, और ये बहावलपुर से 36 किलोमीटर के वाक़े पर मौजूद है। तो आइए इसकी तारीख पर बात करते हैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो व्यूवर्स, लाल सोहाना नेशनल पार्क पंजाब पाकिस्तान के करीब तरीन शहर बहावलपुर, और ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 29/1971-55E कोऑर्डिनेंस 65,791 हेक्टर इसका रकबा है, और ये 1972 में ये पार्क कायम हुआ। लाल सोहाना पाकिस्तान का एक कौमी पार्क है, जो सूबा पंजाब के ज़िला बहावलपुर में वाक़िया है। ये जनूबी पंजाब एशिया के सबसे बड़ा नेशनल पार्क में इसका शुमार होता है। यूनेस्को का ऐलान करदा बायोस्फीयर रिजर्व है। लाल सोहाना अपने ज़मीन की तनु के लिए बहुत ही काबिल ज़िक्र है, जिसमें सहरा, जंगल और गीली ज़मीन के माहौलियाती निज़ाम में शामिल है। लाल सोहाना वस्ती पाकिस्तान बहावलपुर शहर से 36 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। इस पार्क में चिड़ियाघर का एक छोटा सा तफरीही इलाका और जानवरों के लिए एक महफूज इलाका है, और इसमें आपको तमाम किस्म के जानवर देखने को मिलेंगे, जिनमें हिरन भी आपको देखने को मिलेंगे, डीर, और इसमें आपको जंगली भैंसें भी देखने को मिलेंगी। और इस पार्क में आपको एक बहुत बड़ी नदी की झील देखने को मिलेगी, जिसमें कश्तियां चलती हैं विज़िटर को इंजॉय कराने के लिए, तफरी नेशनल पार्क का सैर करवाने के लिए। और इसमें आपको तमाम किस्म की जो हैं छोटे छोटे से अच्छे अच्छे से रेस्टोरेंट, कैफेटेरिए, शॉप्स अवेलेबल हैं। और इसमें जो है इसकी जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है, और इसमें सफाई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाता है, और इसका अमला भी जो है काबिले तारीफ है। ये आप इसका मेन गेट देख रहे हैं, आप यहीं से इंटर होंगे और यहीं से एग्ज़िट होंगे। इसका रकबा जो है बहुत ही ज़्यादा वसी है, आप अगर इसमें घूमते फिरते रहें तो आपको कम से कम 2 घंटे आपको दरकार होंगे इसका मुकम्मल विज़िट करने के लिए। और ये अपने रकबे के हवाले से भी एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है जनूबी पंजाब का। तो इसमें इसकी सरजमीन सैराब शुदा बागात हैं इसमें, और ऊंचाई में 1 से 6 मीटर के दरमियान इसमें रेत के बड़े बड़े टेले मौजूद हैं। ये आप अभी इसका घरासी प्लाट देख रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत। ये आप इसकी नदी देख रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इस नदी में कश्तियां चलती हैं, वो आप नदी के सामने पुल देख रहे हैं। ये सामने ही शॉप है, इसका टिकट घर है। आप तमाम किस्म की जो है यहाँ इंजॉयमेंट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, और बहुत ही खूबसूरत
नेशनल पार्क है। अगर आपका आना हो तो आप इसका विज़िट ज़रूर करें। ये बहावलपुर से जैसे ही आप निकलेंगे तो हासिलपुर रोड आपने बिल्कुल सीधे पकड़नी है, बिल्कुल सीधा जाना है। ये इसका हेडपन, इसकी नहर आती है, ये बहुत बड़ी नहर है, ये पार्क से पहले आती है। ये आप देख सकते हैं पानी का चढ़ाव। तो व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी से हासिल हो सके, नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग्स का। तो आइए, देखते रहिए वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जी ट्रैवल व्लॉग्स में। अल्लाह हाफिज़।